सास का पान बनारस वाला। सास को था दिन भर बनारसी पान खाने का क्रेज और बहू को करना था हर काम बहुत तेज। पान खाते हुए ठीक से बोल नहीं पाती थी सास और पान थूक भी नहीं सकती थी क्योंकि पान था बनारसी और बहू सुनती कुछ थी करती कुछ थी। ऐसे में सास को कभी आ जाता था गुस्सा तो कभी हंसी। बहू खाना बना दो। क्या गाना बना दो? जी अभी बना कर लाई। अरे खाना एक काम कर दूध सपा ले। कौन सा धूम मचा ले? अरे दूध सपा ले। वही तो धूम मचा ले। अभी गाती हूँ सासू माँ। धूम मचा ले। सास परेशान होकर अपना सर पकड़ लेती है और बहू की हरकत देखकर वो बहू से कुछ नहीं कहती है। एक दिन घर में आते हैं एक मेहमान, सास उस वक्त भी चबा रही होती है अपना पान। और बताया कैसे हैं? क्या कह रही हैं आप? अरे पूछ रही हैं पैसे हैं? अरे नहीं कैसे हैं आप? पैसे हैं साहब। अरे कैसे हैं आप बोल रही हूँ, कैसे हैं आप कह दीजिए। अरे पैसे हैं साहब बोल रही हूँ, पैसे हैं साहब दे दीजिए। अरे पैसे क्यों मांग रही हैं? हमने कोई उधार लिया है क्या आपसे? नहीं तो। वही तो बोल रही है। वही तो आपने पैसे लिए ही होंगे उनसे। अरे यार पान थूक दीजिए ना फिर बोल लीजिए। थूकूंगी रुको छोड़ो। क्या ठीक से बोलिए ना। थूकूंगी रुको छोड़ो। कह रही है ठोक दूंगी रुको थोड़ा। अरे हम मेहमान हैं आपके यहाँ, नाश्ता पानी की बात करने की जगह मारपीट की बात कर रही हैं। अरे नाश्ता तो कर लो। हैं क्या बोल रही है? रास्ता पकड़ लो। सब बेइज्जती है यार, दोनों सास बहू मिलकर डरा धमका रही हैं। अरे रुको सही, आप क्यों करके आई? पान निकालूंगी रुको। क्या क्या कहना चाहती हो? अरे रुको भी आंसू करके आई, पान निकालूंगी रुको। बस इतना कहकर सास चली जाती है थूकने पान, लेकिन बहू से सास की बात का मतलब पूछ लेते हैं मेहमान। अब ये क्या बोल कर गई हैं? सुना नहीं, बोल रही थी रुको अभी चाकू धार के लाई, जान निकाल लूंगी रुको। बस बहू की बात सुन के भाग जाते हैं गेस्ट और सास का पान थूकना भी चला जाता है वेस्ट। अरे मेहमान किधर गए? भाग गए, आपने कहा था ना चाकू जान निकाल लेंगी। अरे बोला था आथू चाकू नहीं और पान निकालूंगी जान नहीं। अरे तू मेरी गजल का रीमिक्स बनाएगी तो लोग कुछ का कुछ तो समझेंगे ही। अरे क्यों बोलती है बीच में? आपकी बात किसी को समझ में नहीं आती इसलिए। अरे तो पान रहता है ना जुबान पे। अरे खाई के पान बनारस वाला लग जाता है आपकी जुबान पर ताला। माँ जी हजार बार समझाया है पान खाते वक्त चुप रहा करिए, बात का बतंगड़ बन जाता है। अरे पान पहले मेहमान बाद में। अरे इतना रसीला पान कैसे थोक दूं, वो भी मेहमान के लिए। किसी दिन ना ये पान के चक्कर में बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी आप। लेकिन सास ने नहीं मानी बहू की बात और पकड़े रखा बनारसी पान का साथ। घर में घटती रहती एक जैसी घटना, सास बोलती दिल्ली पर बहू सुनती पटना। एक बार मोहल्ले में बन रही थी पक्की सड़क जिसके उद्घाटन में आने वाले थे विधायक। सास और बहू भी वहां पहुंची,
सोचा नजारा होगा देखने लायक। भीड़ में सास थी सबसे बुजुर्ग, संचालक ने बुला लिया उसको स्टेज पर आशीर्वाद के लिए। और विधायक जी थे मुख्य अतिथि, तो उनका भाषण रखा बाद के लिए। माँ जी, मोहल्ले में सबसे बुजुर्ग हैं आप, स्टेज पर आइए और नई सड़क के निर्माण के लिए आशीर्वाद रूपी दो शब्द कहिए। जुबान पे रख के बनारसी पान, सास मंच की तरफ बढ़ गई। और पान खाती सास की बात को कोई नहीं समझेगा, ये सोच के बहू भी मंच पर चढ़ गई। नमस्कार मोहल्ले वालों। नमस्कार मोहल्ले वालों। मोहल्ले वालों। ठीक है ठीक है, समझी। मैं बहुत खुश हूँ कि जो रोड बन रही है। मैं बेवकूफ हूँ जो रोड बन रही है। बेवकूफ नहीं, बहुत खुश, बहुत खुश। ओ, बेवकूफ नहीं, बहुत बेवकूफ। आम आदमी का विकास होगा। आम आदमी का विनाश होगा। विनाश नहीं, विकास, विकास। विनाश नहीं, विकास होगा। सॉरी सासू माँ। विधायक जी बहुत बहुत ही बढ़िया आदमी है। विधायक जी नॉटी नॉटी बढ़िया आदमी है। अरे सासू माँ, ये क्या बोल रही हो? पहले तो सास बहू की बात सबको हंसाती है, पर बात तब बिगड़ती है जब विधायक जी पर आती है। ये क्या बोल रही है दोनों मेरे बारे में? विधायक जी कभी मोहल्ले की सुंदर कांड करवाते हैं। विधायक जी कभी मोहल्ले के अंदर कांड करवाते हैं। अरे नहीं बहू, ठीक से सुन। सॉरी माँ जी। विधायक जी बहुत विकास करते हैं। विधायक जी बहुत बकवास करते हैं। अरे यार बहू, मेरा मतलब विधायक जी सबके अच्छे के बारे में सोचते हैं। विधायक जी सबके कच्चे के बारे में सोचते हैं। माँ जी ये क्या बोल रही हैं आप? अरे ये क्या घनघोर बेइज्जती है मेरी, कोई रोको इनको। नेताजी का गुस्सा देखकर सास हो जाती है परेशान, बहू को डांटने के लिए स्टेज पर ही थूक देती है पान। पान के पिचकारी की धार में होता है उछाल, सामने बैठे नेता का कुर्ता हो जाता है छींटों से लाल। विधायक जी मुझे माफ करो, अब मैं पान नहीं खाऊंगी। सासू माँ मुझे भी माफ करो, अब मैं आपकी बात में टांग नहीं अड़ाऊंगी। अरे आप दोनों मुझे माफ करो, आपका मोहल्ला मुझे माफ करे, भगवान मुझे माफ करे जो मुझसे यहाँ आने का पाप हुआ। भीड़ जोर जोर से ठहाके मारती है, सास अपनी बहू पे गुस्सा उतारती है, नेताजी हो जाते हैं उड़नछू, माँ जी हमेशा के लिए कर देती है पान को अथ।